हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, क्योंकि मीटिंग हुआ था, आयोग ने फैसला जारी कर दिया। हालांकि लिखित साक्ष्य रूप से अभी नहीं मिला है। एग्ज़ाम हो सकता है आपका मार्च लास्ट तक हो, या आगे बढ़े भी, या मार्च में हो जाए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, मीटिंग हुआ है, ये सही इवेंट है। ओके, चलिए, हम लोग आ चुके हैं नए सेशन में और प्रैक्टिस के तौर पर होगा, रिवाइज तो नहीं लेकिन न्यू होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो हुआ है बहुत सारे प्रकाशन का हुआ है और इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ है, प्रीवियस ईयर का भी हुआ है। आपने अभी तक नहीं देखा है वो सारी वीडियो, तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट पर जाएंगे, स्टैंड बीपीएससी के प्लेलिस्ट में देखेंगे। टेलीग्राम पर भी सबका लिंक है, वहाँ से भी आप जुड़ कर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, इसमें हम लोग हिंदी करेंगे, इंग्लिश करेंगे, मैथ करेंगे और कुछ हम क्विज के तौर पे लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, जीके का भी पूछेंगे। आपको जवाब देना है सभी दोस्तों को। ओके, प्योन का भी होगा, क्लर्क स्टेनो रीडर सभी को देखते हुए क्वेश्चन सेट किए हैं। ओके दोस्तों, चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था, यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन है मिश्र वाक, सरल वाक, संयुक्त वाक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा? अब चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक। ओके, मैंने इससे पहले वाला जो सेट था, इसके पहले वाला यानी प्रैक्टिस सेट नंबर, यानी कब कब का, यानी 14 फरवरी को जो हुआ था। ओके, 14 फरवरी को जो हुआ था उसको। ओके दोस्तों, तो देख लीजिएगा आप लोग, उसमें आपको पता चल जाएगा, विशेष रूप से मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 37 से 41 तक का जो प्रश्न है उसमें शुद्ध शब्दों की पहचान करना है। ओके, चलिए इसमें बताइए 37 नंबर में कौन सा शुद्ध शब्द है, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए लोग क्या राइट आंसर होगा। इसमें कौन सा शब्द है जो सही लिखा हुआ है, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर संप्रेषण जो है, ए नंबर में संप्रेषण, ये सही लिखा हुआ है। ओके, जिन दोस्तों ने ये कमेंट किया है संप्रेषण, उनका सही है। ओके, मिला लीजिएगा आप लोग, मिलाते चलिएगा, सेट लगा रहे हैं। अगर आप लोग आकलन नहीं करेंगे दोस्तों, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, इस चीज को आप याद रखिए। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलेगा, बहुत सारे ऐसे घटनाएं देखने को मिलेंगी जिसमें आप उसी में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो आपको अब सही टू द पॉइंट सेलेक्ट, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा मटेरियल सही है, कौन सा वीडियो अच्छा है, कौन सा मटेरियल जो प्रोवाइड किया जा रहा है किसके द्वारा, वो सब आप लोगों को डिसाइड करना होगा। ओके, क्योंकि अब औदा खौदा पढ़ेंगे तो बहुत ही मुश्किल में पढ़ सकते हैं आप। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए आप लोग, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं। ओके, मैं आप लोगों को अफवाह में डालना नहीं चाहता, क्योंकि पढ़ाई आज के ज़माने में मजाक नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई अगर स्टडी को मजाक ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, तो सीरियस होकर पढ़िए। चलिए, इसमें बताना है आपको कौन सा शुद्ध है, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा इसका। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पौराणिक जो है, पौराणिक बी नंबर में ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसमें आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, ठीक है ना, बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, कमेंट कीजिए लोग क्या राइट आंसर होगा। देखिए, इसमें वर्तुल जो सी नंबर में लिखा हुआ, वर्तुल तारकुन वाला, ये सही है। चलिए 40 नंबर में बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, कौन सा शुद्ध है, बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए, इसमें सलाद है जो लिखा हुआ है, सलाद है, ये सही लिखा हुआ है, सी नंबर में सलाद है। ओके, ये शुद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे है इसमें कि इसमें बताइए कौन सा शुद्ध है, कमेंट कीजिए लोग कौन सा शुद्ध है। देखिए, निषेध जो है डी नंबर में, ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए, इसमें है आपका क्या है दोस्तों कि 42 से 44 तक जो है इसमें आपको सही शब्द बताना है, सही अर्थ बताना है, मीनिंग बताना है। ओके दोस्तों, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, सभी लोग बताइए। देखिए, इसमें आपको बताना है सिर से पैर तक,
के लिए क्या बोलते हैं, कौन सा एक शब्द होगा सिर से पैर तक के लिए? ऑप्शन हम पढ़ देते हैं, शिरोरेखा है, शिरोधार्य है, ओके, उसके बाद है आ, पाद मस्तक है, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग। देखिए आ पाद मस्तक जो है सिर से पैर तक का मतलब होता है, ओके समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने कि जिसकी भुजाएं घुटने तक जाती है उसे क्या बोलते हैं? जिसकी भुजाएं घुटने तक जाती हैं उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं मित्रों? चलिए कमेंट कीजिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब आप अच्छा से देखेंगे ऑप्शन को तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से आजा नु बाहू, ओके क्या हो जाएगा? आजा नु बाहू, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, इसमें देखिए क्या दिया है, जिसका पति आज्ञाकारी हो उसे क्या बोलते हैं? जिसका पति आज्ञाकारी हो उसे क्या बोलते हैं? चलिए अब बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। देखिए जिसका पति आज्ञाकारी हो उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? उसे स्वाधीन पति का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वाधीन, स्वाधीन पति का, ओके। जिन लोगों ने स्वाधीन पति का कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, वक्ता के लिए किस स्वर नाम सर्वनाम का प्रयोग होता है? वक्ता के लिए किस सर्वनाम रूप का प्रयोग होता है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष, क्योंकि आपको भी पता है कि वक्ता के लिए उत्तम पुरुष सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न। कुछ कौन सा सर्वनाम का रूप है? कुछ कौन सा सर्वनाम का रूप है? चलिए बताइए लोग। दिया है कुछ कौन सा सर्वनाम रूप है, क्या होगा? ऑप्शन है निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, क्या होगा दोस्तों कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ओके। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, समझिए क्यों होगा। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, क्या पता चल रहा है कौन है बाहर? मुझे कुछ नहीं मिला, पता चल रहा है आपको क्या नहीं मिला? तो इसलिए ऐसे इसका मतलब हो जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, आपने अपना काम किया है में अपना कौन सा सर्वनाम है? आपने अपना काम किया है में अपना कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ओके। अब चलिए कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निजवाचक। निजवाचक क्यों होगा? क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा था, वह सर्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जो स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, याद रखिएगा सिंपल भाषा में। जैसे आप अपना, ऐसे बोलते हैं ना, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने के सेंस में हो रहा है, जिससे स्वयं का बोध होता है, मैंने क्या बोला था, जिससे स्वयं का बोध हो उसी को हम लोग निजवाचक, निज मीन्स अपना, ओके। आपने अपना काम किया, इसमें अपना जो है निजवाचक दर्शा रहा है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है इसमें कि कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। चलिए कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए जल्दी क्या राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ममेरा, ममेरा मामा के बारे में बता रहा है, ओके। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, मैंने पहले ही बता रखा था आप लोगों को कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उन्हें विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें ही हम लोग बोलते हैं विशेष्य, ओके, विशेषण के विशेष्य, ठीक है समझ गए। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बगले झांकना का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का है, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। बगले झांकना का मतलब क्या होता है?
एक कहावत है, इसको हम लोग कैसे एक क्या क्या बोलेंगे ऑप्शन में से? बगले झांकने का मतलब क्या होगा? अलग अलग बगल देखना, लज्जित होना, विश्राम करना, बगली में देखना, क्या मतलब होगा? देखिए, बगले झांकने का मतलब होता है कि लज्जित होना। ओके, क्या होता है इसका मतलब? लज्जित होना। जिन दोस्तों ने लज्जित होना कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। ओके, समझ गए। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौरी का तीन होना मुहावरे का मतलब क्या होता है? कौरी का तीन होना मुहावरे का मतलब क्या होता है दोस्तों? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए। देखिए, कौरी का तीन होना, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा? कौरी का तीन होना बता चुके हैं बहुत बार, समय देते हैं, चलिए बताइए लोग, नहीं बनेगा तो हम तो बताएंगे ही क्या राइट आंसर होना चाहिए। कौरी का तीन होना यानी बहुत सस्ता होना, ठीक है ना, सिंपल है यार। ओके, बहुत सस्ता होना। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, जो आएगा सो पाएगा में सो कौन सा सर्वनाम रूप है? जो आएगा सो पाएगा में सो कौन सा सर्वनाम रूप है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसमें हो जाएगा संबंधवाचक। ओके, राइट आंसर संबंधवाचक हो जाएगा, जो आएगा सो पाएगा। देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बतलाने के लिए किया जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। समझ गए। यहाँ पर इसका प्रयोग वाक्य में दो शब्दों में जोड़ने के लिए किया गया है, इसलिए जैसे कि जितना उतना हो या जो सो हो उसके लिए बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, इतना काम किसने किया है में इतना कौन सा विशेषण है? इतना काम किसने किया है में इतना कौन सा विशेषण है? ऑप्शन आपके सामने है, अब आप कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से तुलनात्मक विशेषण। ओके, क्यों होगा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों को, गुण मान आदि को जो मिलान करता हो या तुलना करता हो एक दूसरे से, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। समझ गए। देखिए, यहाँ विशेषता किसी भी सामान्य या किसी में कुछ अधिक और किसी में सबसे अधिक होती है, ये बतला रहा है, इसलिए तुलनात्मक हो गया। समझ गए। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है आपका, उसका दिव्यांग पति चलने में असमर्थ है में दिव्यांग, क्या है इसमें? मैं आपको बताना है दिव्यांग जो है क्या है इसमें, बताइए क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए। इजी है, बस दिमाग लगा दीजिए, काम हो जाएगा आपका। ओके, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। ओके, मैं जो है विशेषण है, समझिए। अभी मैंने बताया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मोटा लड़का हंस पड़ा, यहाँ मोटा जो है विशेषण है तथा लड़का क्या है? लड़के की विशेषता बतलाई जा रही है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, बताइए। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, पहले या अंत में? इतना हिंट दे दिए तो आंसर आप बता सकते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत में। ओके, प्रत्यय का प्रयोग अंत में होता है। देखिए, वैसे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें, समझिए, अपने प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें, मतलब उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। जैसे समाज, एग्जाम्पल हम बताते हैं, समाज में आप क्या जोड़ेंगे? अगर हम इसमें इक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। ओके, सुगंध में इत जोड़ देंगे तो सुगंधित हो जाएगा, मीठा में आस जोड़ देंगे तो मिठास हो जाएगा, ये सभी एग्जाम्पल है। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ये तो बहुत ईजी है,
क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? धातु। क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, जैसे हंसना, खाना, पीना, रोना, धोना, जिसके अंत में ना हो। ओके, समझ गए। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, मतलब कौन सा इसमें शुद्ध लिखा है? चलिए बताइए बताइए लोग, कौन सा इसमें शुद्ध लिखा हुआ है? सब एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है समझना है। ओके, थोड़ा सा ही समझना है, बाकी देखिए ए नंबर में जो है ना ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। इसमें भी आपको क्या बताना है? शुद्ध कौन सा लिखा है? चलिए बताइए बताइए लोग, कौन सा सही लिखा हुआ है? तो बी नंबर में देखिए, प्रहमान जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। इसमें बताइए कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? इसमें कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है दोस्तों, कमेंट कीजिए। इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है बताइए? अंधिकार जो लिखा हुआ है ना, यह सी नंबर में, मतलब बिना किसी अधिकार के। ओके, तो ये राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है आपका, सुंदर विशेषण का स्त्रीलिंग रूप है इसमें से, बताइए सुंदर जो है इसका विशेषण क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप में? कमेंट कीजिए लो, क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरी। ओके, क्या हो जाएगा? सुंदरी। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग। तो इसमें आसक्त जो हो जाएगा ये विशेषण है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। माली का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? माली का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कमेंट कीजिए लो क्या राइट आंसर होगा? माली का क्या होना चाहिए? तो मालिन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? मालिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया में को कारक की किस कारक की विभक्ति है? को किस कारक की इसमें विभक्ति है, चलिए बताइए कमेंट कीजिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। क्यों होगा समझिए, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ही हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जिस देखिए एक और भाषा में बोले तो जिसकी विभक्ति ची को होता है, जैसे गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया। ओके, समझ गए। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न है आपका, मेज से किताब गिरी में से किस कारक की विभक्ति है? में से किस कारक की विभक्ति है बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो इसमें ये हो जाएगा, कमेंट कर सकते हैं क्या? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। ओके, क्या हो जाएगा? अपादान कारक। समझिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ओके, ठीक है ना? इसका परसर्ग यानी विभक्ति के रूप में से होने के सेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। मेज से किताब गिरी, अलग हो रहा है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे का है, वह दिन भर काम करता है में भर कौन सा निपात है बताइए? इसमें कौन सा ये हो जाएगा, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बलदायक। ओके, वह दिन भर काम करता है यानी शरीर से कर रहा है। ओके, तो राइट आंसर बलदायक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। मैं भी दिल्ली जाऊंगा मैं भी क्या है? मैं भी दिल्ली जाऊंगा मैं भी क्या है दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निपात। ओके, क्या हो जाएगा? निपात। ठीक है, निपात क्यों होगा? क्योंकि मैं भी दिल्ली जाऊंगा वाक में भी शब्द अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ भी एक निपात है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लालच बुरी बला है में लालच का लिंग किस रूप में घोषित हुआ है, मतलब घोषित हुआ है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है? ओके, बताइए क्या राइट आंसर होगा? इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए इसका, यानी इनमें से आपका कोई नहीं होगा। ठीक है, लालच बुरी बला है में लालच का लिंग रूप किस रूप में घोषित हुआ है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इंग्लिश कर लेते हैं, हिंदी आपका खत्म हो गया।
ठीक है, अभी इंग्लिश पर हम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, मैथ भी इम्पोर्टेंट है और हिंदी भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह सभी विषय इम्पोर्टेंट है, यानी ऐसा नहीं करना है कि कोई किसी को छोड़कर चलना है और कोई ज़्यादा पढ़ना है, फिर ऐसे में काम गड़बड़ हो जाएगा। काम को बनाकर चलना है हम लोग को। ओके चलिए, सी डैश इन ए स्मॉल यूरोपियन कंट्री, क्या राइट आंसर होगा? अब कमेंट कीजिए। देखिए इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सी लिव्ड यानी रहती है। ओके राइट आंसर लिव्ड हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, आगे है व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल दे बिकम डैश नॉट वर्स। ओके इसमें से क्या होगा देखिए, अच्छा सा सेंटेंस को देखकर आपको बताना है। ओके गलती नहीं करना है, गलती करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, यानी आप नहीं पढ़ रहे हैं। यानी आपका सही हो रहा है तो यानी कहीं ना कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप माइनर माइनर चीज़ भी गलती कर रहे हैं तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। ओके नोट्स ज़रूर बनाओगे आप, एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन 4 दिन पहले वही नोट्स आपका काम आएगा। चाहे 1,000 का क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे 500 का क्यों ना हो, सबको अपने कॉपी पर लिख लीजिए आप। लिखने के बाद उसको रिवाइज मार लीजिएगा, देखिए कितना मदद करेगा। ये सब ट्रिक है एग्ज़ाम निकालने का। ओके स्मार्ट स्टडी इसको बोलते हैं। तो इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग बेटर जो हो जाएगा, व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल दे बिकम बेटर नॉट वर्स। ओके तो राइट आंसर बेटर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 3839 इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव, चार अलग अलग दिया है, एक उसमें से अलग है। ओके दोस्तों देखिए, ग्लिब क्या दिया है आपका, ग्लिब दिया है। ओके तो ग्लिब का मतलब आप लोग जानते हैं, ग्लिब का मतलब होता है चालाक, क्लेवर व्यक्ति को बोलते हैं। ओके तो इसमें से आपको बताना है, बताइए बताइए, मतलब इसमें से ऐसा सेंटेंस चूज करना है जो मतलब इसके समान हो। ओके इतना हिंट दे दिया, अब आप बता सकते हैं क्या राइट आंसर होगा, बताइए लो क्या राइट आंसर होगा। आर्टफुल होना चाहिए, आर्टफुल में क्या होता है, चालाक होता है। ओके क्या होता है, आर्टफुल मीन्स चालाक होता है। ओके तो समझ गए, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, आगे का है इंडिसोल्युबल। ओके इंडिसोल्युबल दिया है, अब बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसका मतलब होता है अस्थाई, जो फिक्स है। ओके अब इसमें से आपको पकड़ना है कि फिक्स का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसमें से, कमेंट कीजिए। अब आप बताइए, परमानेंट बोल सकते हैं क्या, बोलिए लोग, बिल्कुल आप बोलेंगे कि बिल्कुल बोल सकते हैं, तो राइट आंसर परमानेंट हो जाएगा। ओके जिन दोस्तों ने परमानेंट कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। चलिए इसमें देखिए, इसमें बताना है आपको क्या, ह्यूमॉक दिया है। ओके क्या दिया है, ह्यूमॉक, ह्यूमॉक में इसका होता है टीला जिसको बोलते हैं। ओके इतना बता दिए, अब बताइए इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है उसका मतलब टीला होता है। ओके बताइए कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए डिच, ओके डिच में इसका होता है यानी खाई। ओके ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको बताना है चेस्ट, चेस्ट मीन्स क्या होता है, चेस्ट एक एक मीनिंग होता है छाती और एक यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा पवित्र या शुद्ध जिसको बोलते हैं। ओके यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका करप्ट। ओके यानी यहाँ पर एंटोनीम के फॉर्म में पूछा है, ठीक है ना, ऊपर आप लोग लाइन पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें आपको क्या बताना है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए अब बताइए, द गर्ल इज असेंडिंग द एवरेस्ट, द गर्ल इज असेंडिंग द एवरेस्ट, क्या राइट आंसर होगा इसमें से, बताइए पैसिव में आपको बताना है। ओके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसे पैसिव वॉइस में बदलना होगा, आपको रूल पता होगा। चलिए हिंट दे देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम
आर, उसके बाद क्या होता है, प्लस बेइंग लगता है कंटिन्यूअस में, ओके बेइंग, उसके बाद क्या हो जाता है, प्लस भी थ्री, ओके भी थ्री, भी थ्री के बाद बाई, या प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, ओके इसी ट्रिक पर बैठा दीजिए, आंसर निकल जाएगा, द एवरेस्ट इज बेइंग असेंडिंग बाई द गर्ल, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिया हुआ है ए नंबर में, ओके तो ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, इसमें चलिए ये नहीं दिख रहा, छोड़ देते हैं इसको, चाहे बना दे क्या, चलिए बना देते हैं, छोटा कर देते हैं, चारों ऑप्शन दिखेगा आपको। चलिए अब बताइए, इसमें है द कॉन्ट्रेक्टर सेड सी हैज फ्लैश्ड द डिजाइन, ओके अब बताइए इसका आपको क्या बताना है, इसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में है, ओके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आप पढ़े होंगे तभी बना पाएंगे, नहीं तो ये नहीं बनेगा आपसे, फिर भी ट्राई कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए सेंटेंस जो है आपका अफर्मेटिव में है और इसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा, तो इनवर्टेड कोमा को हटाकर डेट का प्रयोग किया जाता है, आपको पहले ही बताए होंगे, अगर हैज होगा तो इसके बदले हैड लगाते हैं, ओके परफेक्ट में, और रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है वो पास्ट टेंस में सही होगा, ठीक है। तो चलिए अब बताइए क्या राइट आंसर होगा, इतना हिंट दे दी, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, देखिए इसमें दिया हुआ है द कॉन्ट्रेक्टर से डैट सी हैड फिनिश द डिजाइंस, ओके। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, आगे का प्रश्न है आपका क्या दिया है, पढ़ते हैं पूरा लाइन, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए वर्ड हैज बीन रिटन इन फोर डिफरेंट वे आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग क्या राइट आंसर होगा। वैकुम बी नंबर में देखिए ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ओके 45 से 46 में बेस्ट एक्सप्रेस दिया है आइडम फ्रेज के रूप में, उसको आपको सेलेक्ट करना है। चलिए बताइए, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, इसका मतलब होता है किसी के जाने पर खुश होना, सपोज करो कोई हस्बैंड है, ओके उसके वाइफ है, जब वो मायके जाती है तो हस्बैंड खुश होता है, उस सेंस में बोल सकते हैं द हस्बैंड बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ वाइफ, ओके इस सेंस में, यानी किसी के जाने पर खुश होना, तो इसको बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव, तो देखिए सी नंबर में दिया हुआ है तो राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, आगे का प्रश्न दिया है क्रंच टाइम, क्या दिया है क्रंच टाइम, क्रंच टाइम का मतलब होता है मुश्किल समय, ओके क्रिटिकल सिचुएशन जिसको बोलते हैं, ओ तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, और अगर दूसरे फॉर्म में बोलना होगा तो क्रिटिकल, ए क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ ए गेम व्हेन डिसाइसिव एक्शन इज नीडेड, क्या बोलेंगे, ए क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ ए गेम व्हेन डिसाइसिव एक्शन इज नीडेड, ओके तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिया होगा तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सी नंबर में दिया हुआ तो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो गया, ओके। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, 47 से 48 क्या करना है, चार को दिया है एक बेस्ट क्या करना है, उसके जगह पुट करना है, ओके चलिए देखते हैं, प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड एनदर, बताइए अब इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा, इसमें से देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इंटरपोज जो है इसका मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच में घुसना, ओके दो वस्तुओं के बीच में घुसना, इसलिए हमारा जो राइट हो जाएगा उचित, अगर सब्स्टिट्यूट की बात करें तो हमारा इंटरपोज हो जाएगा, ओके राइट आंसर इंटरपोज। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, आगे दिया है मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम्स अबाउट समवन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रिप्यूटेशन, ओके बताइए, देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, और एस्करलियस जो दिया हुआ है उसका मतलब होता है झूठ अफवाह फैलाना, ओके इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्करलियस, ओके राइट आंसर सी में दिया हुआ है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, आगे दिया है बी इन द रेड, बी इन द रेड का मतलब होता है नुकसान होना या कर्जे में डूबना, ओके
तो टू बी इन लॉस बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो देखिए दिया हुआ है बी नंबर में, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, मैथ आ गया तो ये तो देखिए ये आपको बनाना पड़ेगा। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या राइट आंसर होगा, सॉल्व कर कर बताइए, समय देते हैं आप लोगों को। बताइए लो, क्या राइट आंसर होगा। इसको बनाने का ट्रिक है, देखिए इकाई के सिर्फ इसमें पहचानिएगा कि इकाई के अंक पर कौन सा अंक है, ओके, उसके सहायता से आप पकड़ सकते हैं। इकाई का अंक 6 गुने इकाई का अंक 4, देखिए सॉल्व कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए लोग, क्या होना चाहिए। एक आएगा, ओके, इकाई के स्थान पर एक हो जाएगा, ओके। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए, ये तो बहुत इजी है, सब नॉर्मल है, बेसिक है, सिंप्लीफिकेशन है, आपको आना चाहिए। इस ये सब वीडियो भी जो सर मैथ पढ़ा रहे हैं उनसे बोलिएगा, वो एक्सप्लेन करेंगे, ओके। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लो कितना आंसर आ रहा है। इसी तरह के सवाल इसी से रिलेटेड आएंगे एग्जाम में, ओके, और जो लोग इग्नोर करेंगे वो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे, इसलिए कमज़ोर क्वेश्चन को कमज़ोर नहीं समझना है, जितना प्रैक्टिस करना है उतना बनाइए, ओके दोस्तों। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 5 × 3 to the power, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर में, 3 to the power 1/2, ओके। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, इसको सॉल्व कीजिए लोग, प्रीवियस ईयर का है दोनों, चलिए बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा, बहुत इजी है, इसमें क्या हम बताएं, सॉल्व कीजिए लोग क्या राइट आंसर होगा दोस्त, जल्दी गुना भाग आना चाहिए आप लोगों को, ओके, गुना भाग नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा, ओके, तो इसलिए गुना भाग बहुत ज़रूरी है, जोड़ घटाओ गुना भाग का के कि ये सब आना चाहिए आपको, 38 और 88, बिल्कुल सही राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए ये भी सॉल्व कर लीजिए, इसका क्या राइट आंसर होगा 54 का, अनुपात में दिया है ए बाई बी यानी 3/5, इतना हिंट दे दिया, अब सॉल्व कीजिए क्या राइट आंसर होगा बताइए, बताइए लो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 8:5, ओके। अब चलिए हम क्विज करते हैं, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको जवाब देना है, ओके, वो हम बता चुके हैं आप लोगों को, ओके, सभी सभी के लिए, सभी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन होगा, ओके, यानी ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए हम पूछ रहे हैं, सभी लोग जवाब देंगे इसको, ओके, सभी लोग को बताना है। जीके का भी होगा, जीके का भी 5-6 पूछ लेते हैं, और जो पढ़ा चुके हैं वही पूछेंगे, ओके, हालांकि हम आंसर भी बता देंगे आपको, जो एग्ज़ाम से आने की संभावना है, मतलब सिलेबस में जो है वही। चलिए शुरू हो जाइए लोग, आप लोग तैयार है, बताइए लोग कहाँ से शुरू करें। चलिए हाँ यहीं से शुरू करते हैं, सजीव का विलोम क्या होगा, कमेंट कीजिए लोग, सजीव का विलोम क्या होगा, चलिए आप लोगों को बताना है सिर्फ ये, ओके, सजीव का विलोम निर्जीव हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है, जिन लोगों ने निर्जीव कमेंट किया उनका बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छे चरित्र वाले के लिए एक शब्द बताइए क्या बोलेंगे उसे, जो जिसका अच्छा चरित्र होता है उसे क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए, जिसका अच्छा चरित्र होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बताइए लोग, जिसका अच्छा चरित्र होता है उसे क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए, क्या होगा,
यानी उसको हम लोग बोलते हैं चरित्रवान। ओके, क्या बोलते हैं? चरित्रवान। ठीक है, क्लियर है। चलिए, विपता का पर्यायवाची बताएंगे क्या? विपता का पर्यायवाची क्या होता है? विपदा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? विपदा का पर्यायवाची क्या होता है? यानी विपदा का आपदा हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, जिन लोगों ने आपदा कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। रंगा सियार मुहावरा का मतलब क्या होता है? रंगा सियार मुहावरे का मतलब क्या होता है? रंगा सियार मुहावरे का मतलब क्या होता है? रंगा सियार मुहावरे का मतलब क्या होता है? यानी एक समान, सॉरी एक समान नहीं, धोखेबाज बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? रंगा सियार का मतलब धोखेबाज। चलिए अब सभी लोग बताएंगे। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या होता है? चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या होता है? चिली साल्ट पीटर हम लिख देते हैं, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या होगा? कमेंट कीजिए, जानते हैं आप लोगों में से तो। चिली साल्ट पीटर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों NaNO3। नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न बताइए। हीरे में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? हीरे में कौन सा हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, ओके, प्रसंस्करण स्फेरिकल जो साइज होता है उस फॉर्म में, हीरे में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? हीरे में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? SP3 पाया जाता है। ओके, याद रखिएगा SP3। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला है, चलिए थोड़ा इजी पूछते हैं। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा होता है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन कौन से हैं आप बता सकते हैं तो बताइए। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन कौन सा है बताइए? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन कौन सा है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ओके, ये सब इम्पोर्टेंट है। इंदिरा पॉइंट प्रीवियस ईयर का है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है? ओके, तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा है भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है बताइए? तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा है भारत का वो कौन सा राज्य है? ये हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है आपका कि रोगी का विलोम क्या होगा बताइए? ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बता देना चाहिए आप लोगों को। रोगी का विलोम क्या होगा? निरोगी हो जाएगा। बिल्कुल सही। जो हाथ से लिखता है उसे क्या बोलते हैं? जो हाथ से लिखता है उसे क्या बोलते हैं? जो हाथ से लिखता है उसे क्या बोलते हैं? जो हाथ से लिखता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हस्तलिखित बोलते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारत एवं म्यांमार को अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है? भारत और म्यांमार को अलग करने वाली कौन सी पहाड़ी है बताइए? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पटकाई। ओके, पटकाई, ये जो पहाड़ी है भारत और म्यांमार को क्या करती है दोस्तों? अलग करती है। ओके, भारत और अगला क्वेश्चन, भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है कौन सी नदी? भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये काली नदी। ओके, काली नदी।
चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है कि असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है बताइए। तो ये संकोस नदी सीमा बनाती है। संकोस नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न बताइए। कर्क रेखा कितने राज्यों से भारत से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताइए, आंसर बताइए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको पता है क्या कौन कौन से राज्य हैं? सुन लीजिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से एक बार सुनिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके चलिए एक और बताइए। भारतीय मानक समय गुजरती है कितने राज्यों से? भारतीय मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है? भारतीय मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। ओके 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ओके चलिए एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है, याद रखिएगा। कौन सा है लिख देते हैं, मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच। ओके भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। ये बीपीएससी में अभी प्रश्न आया था, और 6वीं बीपीएससी जो हुआ था ना, इसमें भी ये प्रश्न आया था। और देख लीजिए सिविल कोड का भी सिलेबस यही है, ये भी पढ़ना है। तो देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि जो बीपीएससी का जीके जीएस है वो सिविल कोड में नहीं आ सकता है। सभी क्वेश्चन कब कहाँ से पूछ देगा ये कोई नहीं जानता है। अभी सिविल कोड में जो जीके जीएस पढ़ना है वो बीपीएससी में भी पूछ आ रहा है। ओके तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कौन सी सीमा है, ओके कौन सा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो रेड क्लिफ है। ओके रेड क्लिफ है, ये बीपीएससी और 6वीं में जो 12 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 12 फेब को, उसमें यह पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। ओके चलिए तो दोस्तों आज का हम लोग सेशन यही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपना सुझाव देंगे, ऐसे ही हम कंटेंट रोज़ लाते रहेंगे, रोज़ क्लास चलता है हमारे द्वारा। ओके और जो भी पीडीएफ जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है वो निःशुल्क है, यानी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता। ओके तो इसका फ़ायदा उठाइए और पढ़िए, अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा और आपको बेहतर से बेहतर तलवार के धार की तरह बनाया जाएगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। मेरा सजेशन, और आपका मेहनत एग्ज़ाम तक पहुंचाएगा, एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा, अगर आप मेहनती हैं तो। मेहनती नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई आज के युग के अनुसार मजाक नहीं है, खेल नहीं है। जो पढ़ेगा वही पाएगा, जो सो जाएगा वो खोता है, जो ज़्यादा सोता है वो खोता है, इसलिए ज़्यादा नहीं सोना है। और विद्यार्थी का मतलब होता है कोमल नहीं, सॉफ्ट, अपने आप को हार्ड बनाइए। अगर आपको पसीना हो रहा है तो पंखा मत चलाइए, पसीना होने दीजिए। अगर आपको ठंड भी लग रहा है तो ठंड लगने दीजिए, ठीक है। हार्ड बनेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। विद्यार्थी जीवन में जो जितना संघर्ष, कठोर, कठिन तपस्या करता है वही आगे जाकर सुख करता है। जो अभी सुख करेगा बाद में उसे बहुत तकलीफ होता है। तो आपको तय करना है कि क्षणिक सुख चाहिए आपको या कि लॉन्ग सुख चाहिए, ये आपको डिपेंड करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे भी हम लोग मिलेंगे इसी समय पर। सभी दोस्तों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई कीजिए।